जयपुर के खजुराहो एयरपोर्ट पर उत्तराखंड में हुए बस हादसे के श्रद्धालुओं के शव उनके घर तक ले जाने के लिए प्रशासन ने 25 एम्बुलेंस की व्यवस्था की है, जिन्हें खजुराहो एयरपोर्ट में खड़ा किया गया है। इन वाहनों से एयरपोर्ट के विमान से शव आते ही इन वाहनों से मृतकों के घर तक ले जाया जाएगा। प्रशासन के अधिकारी खुद एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। गौरतलब है कि रविवार को उत्तराखंड में बस खाई में गिरने से 26 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जिनमें 24 शव पन्ना जिले के हैं जबकि एक शव छतरपुर जिले के बिजावर का है। तो खजुराहो एयरपोर्ट पर ये देखिए एम्बुलेंस पहुंच गई है, शवों को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। 26 मृतकों 24 पन्ना के रहने वाले और एक एक छतरपुर और बिजावर का रहने वाला है। इसके साथ ही इंतजाम किया गया है ताकि इन शवों को उनके घरों तक पहुंचाया जाए। यमुनोत्री यात्रा के दौरान ये हादसा हुआ था जिसमें 26 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे ये। संवाददाता पवन हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़कर अधिक जानकारी के साथ। पवन, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर? बताया जा रहा है कि इंतजाम किया जा रहा है ताकि शवों को उनके घर तक सही सलामत पहुंचाया जा सके, क्या और वहां पर व्यवस्थाएं हैं इसको लेकर? यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा संपूर्ण व्यवस्थाएं की जा सकती है और साथ ही साथ जो आप तस्वीरें देख रहे हो कि ये एम्बुलेंस यहाँ पर क्रम बाई क्रम तरीके से लगी हुई है और एक एक चेक करके एम्बुलेंस को रवाना किया जाता है और लगाने के लिए लगाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो वाहन क्रमांक इसमें डाले गए हैं और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे पीछे जो मृतक है उसका नाम लिखा हुआ है और साथ ही साथ जो एम्बुलेंस है उसमें क्रमशः नामांक अंकित किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार को व्यक्ति को भी जो उनके परिजन है जो उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो और वह अपनी एम्बुलेंस में बैठ करके अपने जो परिजन है और जो परिजन का शव है उसे ले जा सके। यहाँ पर पूरा अमला आप देख रहे होंगे कि पूरा मौजूद है, साथ ही साथ एडिशनल SP सहित प्रशासनिक बल है वो भी यहाँ पर मौजूद है। हम खुद सीधे उनसे बात भी करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे आप देख रहे होंगे पूरी चेकिंग की जा रही है पहले एम्बुलेंस की और एम्बुलेंस की चेकिंग होने के बाद उसमें जो उनका एक परिजन है वो भी रहेगा और साथ ही साथ पुलिस भी इस पूरी जो एम्बुलेंस है उस पर निगरानी रख रही है कि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, तो वाहन की चेकिंग भी की जा रही है। साथ ही साथ उनके साथ में व्यवस्थित व्यक्ति भी होंगे उनके साथ में और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है। साथ ही साथ पन्ना SPM भी हमारे साथ मौजूद है, हम खुद उनसे मैडम से बात करेंगे क्या कुछ कहना होता है। मैडम जी, मैडम क्या कहेंगी पन्ना के जितने लोग हैं उसको लेकर के क्या कुछ बताना चाहेंगे? कितने लोग हैं और किस तहसील के ज्यादातर लोग हैं? हाँ, एक ही परिवार के ज्यादातर लोग हैं कि हाँ ये लगातार तैयारियाँ की जा रही है। साथ ही साथ जो आप देख रहे होंगे कि पुलिस हमला भी पूरा यहाँ पर मौजूद है, कुछ तमाम व्यवस्थाएं हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है और पुलिस को भी लगातार संकेत दिए गए थे कि जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से पुलिस की निगरानी में रखी जाए और साथ ही साथ जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि एयरपोर्ट के लिए यहाँ से एम्बुलेंस प्रवेश करवा दी गई है और साथ ही उनको एम्बुलेंस के माध्यम से जैसे ही फ्लाइट आती है वैसे ही आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे कि जूम करके मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये सारी एम्बुलेंस यहाँ पर लगा दी गई है और जैसे ही फ्लाइट पहुंचेगी वैसे ही इन एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ पर रख दिया है। साथ ही साथ नोडल अधिकारी हमारे SDM राहुल कार्य जी उनसे तुरंत सीधे बात करते हैं क्या कुछ है उनके द्वारा यहाँ पे व्यवस्था की गई और क्या कहेंगे सर? सर किस तरह से और जैसे से मदन लोग के जो यहाँ पे निवास परिजन है उनके अनुसार हम लोगों ने इन लोगों का रूट चार्ट तय कर दिया है। वो रूट चार्ट के अनुसार हम लोगों ने इनका उसके बाद उनके घर के पेपर हम लोग ड्रॉप करेंगे। सर परिजनों के लिए क्या व्यवस्था की गई? परिजन भी यहाँ पे आए हैं, केवल एक ही व्यक्ति के आए हैं, परिजन केवल एक ही व्यक्ति आए हैं, कागज हटा के हैं, उनका नाम लेकर नहीं आ रहा है, उनको हमने सूचित कर दिया वो उसके साथ जाने वाले हैं। कितने लोग थे और जो मतलब
यहाँ पे हो गया था एक बुजुर्ग हो गया मिजावर के वो अलग महिला है जनक राजिंदर वाले बाकी शेष 24 जो है वो बनना कब तक एक फ्लाइट पहुँचने का थोड़ा अब हमें तो बड़े कुछ सात सात बजे तक मिली है मतलब अपने यहाँ हमारे यहाँ से तैयारी है ये छतरपुर की जो बिजावर स्टेडियम है राहुल और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि प्रशासन के द्वारा यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और साथ ही साथ प्रशासन अमला भी यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है कि जैसे ही फ्लाइट यहाँ पर पहुँचेगी और वैसे ही उनके द्वारा जो तमाम चीजें हैं वो उनके द्वारा सुधार कर लिया जाएगा साथ ही साथ उनके द्वारा इन सारी चीजों को लेकर के पूरी तरह से जो मतलब व्यवस्था होनी चाहिए वो भी कर ली गई साथ ही साथ पूरा यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी लगातार लगा हुआ है कलेक्टर एसपी जो तमाम आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और उनकी निगरानी में लगातार वर्क किया जा रहा है और इसको जो जो उनके द्वारा कार्य योजना बनाई गई है उसके माध्यम से जो एम्बुलेंस है वो भी लगा दी गई है और उनका प्रयास पवन बिल्कुल चूंकि आप लगातार वहां पर मौजूद हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं खबर हमें यह मिली है कि 25 एम्बुलेंस को तैनात किया गया है क्या हर एक एम्बुलेंस में अलग अलग शवों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था प्रशासनिक स्तर पर की गई है पवन हर एक शव के जो जो एम्बुलेंस है एक एम्बुलेंस में एक ही शव को रखा जाएगा और साथ ही साथ उसमें अंक अंकित किए गए हैं जैसे कि मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा एम्बुलेंस की कि आप एम्बुलेंस में इसमें लिखा हुआ है कि सुमत क्रमांक की सुमत रानी क्रमांक नंबर 20 लिखा हुआ और उसमें पूरा मतलब उसके बारे में चर्चा किया गया है कि किस एम्बुलेंस में किस शव को रखा जाना हो किसके माध्यम से वह पहुंचेंगे साथ ही साथ उनके द्वारा पूरी तरह से स्पष्टीकरण किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की लोगों को बैठने में या शव रखने में उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े और साथ ही साथ सहज तरीके से लोग अपने जो मतलब उनके परिजन है उसे शव को ले जा सके और तमाम जो व्यवस्था है उनके द्वारा की गई साथ ही साथ जो हमारे छतरपुर से एडिशनल एसपी हैं विक्रम सिंह जी उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है क्योंकि वो लगातार इस पर व्यवस्था लगे हुए हैं क्या कुछ बताते हैं जी सर किस तरह से सर व्यवस्था की गई सर अपने यहाँ पे और किस तरह से अपन लगे हुए बॉडी है विदाउट एनी हैसल और समय से अपने गंतव्य स्थल में सम्मान उसके लिए हो गया सर एम्बुलेंस की जो अपन ने व्यवस्था की है सर इसमें किस तरह से है कि एक शव को एक चीफ है तो 25 स्पीकर उन्हें रखे हैं कुछ स्पीयर में एम्बुलेंस है वो 25 शव है तो 25 एम्बुलेंस रखी हुई है और साथ ही उसमें एक्स्ट्रा एम्बुलेंस भी रखी गई है कि यदि किसी भी प्रकार की समस्या होती है हालांकि पुलिस के द्वारा पहले से चेकिंग की जा रही है सभी वाहनों की यदि कोई भी ऐसी समस्या होती है तो उसे तत्काल एक्सचेंज किया जाए हालांकि चेकिंग करके और इसके बावजूद भी उनके द्वारा एक्स्ट्रा एम्बुलेंस भी रखी गई है ताकि किसी प्रकार की समस्या न हो जी चले बॉस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।